देश के जाने माने समाज सेवी अन्ना हजारे ने भारतीय जनता पार्टी पर एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। अन्ना हजारे ने कहा यह हर कोई जानता है कि लोकपाल पर उनके अनशन की बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी को सत्ता मिली, लेकिन मौजूदा हालात में अब इनके मन में इनके लिए कोई सम्मान नहीं बचा है। केंद्र में लोकपाल, राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति की मांगों को लेकर अपने गांव रानीगंज सिद्धि में अन्ना हजारे पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन कर रहे हैं। उन्होंने यह कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा मेरी 90% मांगे माने जाने की बात भी झूठी है। इधर अन्ना हजारे की हालत भी खराब होती जा रही है और उनका वजन भी 4.5 किलो कम हो गया है। कुल मिलाकर अन्ना हजारे ने यह भी कहा कि वे अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं, तो उनका यह कहना था कि मैं उनके आंदोलन में शामिल होने का स्वागत करता हूं, लेकिन मेरे साथ उन्हें मंच साझा नहीं करने दूंगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें।